अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहु। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। जैसे पहला पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके है कि क्या इजिप्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS एडमिशन के लिए। तो इसमें भी दो पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि आपको बराबर में मेरे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा कि इसमें 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं जिसमें से 10th क्लास की मार्कशीट में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जिसमें पहला साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, और 12th की मार्कशीट में से आपको 3 सब्जेक्ट पिक करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बाकी के 2 बचे हुए सब्जेक्ट लैंग्वेज होंगे, जिनमें एक इंग्लिश हो सकती है, दूसरा मराठी, अरबिक, हिंदी, उर्दू, कुछ भी हो सकता है। ये 8 सब्जेक्ट आपको पिक करने हैं और उसके बाद इनका एग्रीगेट निकालना है, जो कि 75% से अबो होना चाहिए। 75% से बिलो किसी भी इजिप्शियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि भाई किसी और यूनिवर्सिटी में मेरा हो सकता है, तो नहीं, कहीं पर भी 1 मार्क्स भी कम होगा तो नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 या 50 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे के 50 मार्क्स आते हैं उसको फेल कंसिडर किया जाता है। दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आने के लिए नीट कंपलसरी है या नहीं, तो ये लोग तो नीट वगैरह के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो अगर आपका नीट क्वालिफाई है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, और अगर नहीं भी है तब भी आप लोग ले सकते हैं, ये आप लोगों को चूज़ करना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप नीट क्वालिफाई करके ही यहाँ पर। दूसरा पॉइंट स्कॉलरशिप एंड फीस को लेकर है, तो स्कॉलरशिप का पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनका एडमिशन इस तरीके से हुआ है कि एजेंट ने उनको बताया, कंसल्टेंसी ने उनको बताया कि उनको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे, आप हमारे थ्रू एडमिशन लो। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्कॉलरशिप एक लक है, सबको नहीं मिलेगा, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, हो सकता है आप लकी हो और आपको मिल जाए, लेकिन आप ऐसा ना करिए बिल्कुल भी कि आप जो है बिना सोचे समझे स्कॉलरशिप को ऊपर डिपेंडेंट होकर आप एडमिशन ले लें और फिर खुदा ना खास्ता आपको यहाँ आकर ना मिले। दूसरा पॉइंट फीस को लेके ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर आपको मेरी बराबर में स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसमें 6,000 ईयर पर डॉलर की फ़ीस है, जिसमें पहले साल आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होगी $1,500। और फीस के साथ अगर मैं ऐड करता चलूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी देती है फीस में, जो कि ट्यूशन फीस में डिस्काउंट मिलेगा और किसी चीज़ में नहीं, जैसे कि ज़गाज़िक यूनिवर्सिटी, मीनिया, मनोफिया, फयूम, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कुछ परसेंट, 30%, 20% इस तरीके से डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ यह भी है कि वहाँ पर अभी तक कोई भी इंडियन मौजूद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो कायरों में रहना थोड़ा आसान है, कैपिटल है, लेकिन वहाँ पर जो है लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, प्लस हॉस्टल थोड़े से कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ पर। और दोस्तों अगर मैं आपको MBBS बजट की बात करूँ तो ये स्क्रीनशॉट आपको जो नज़र आ रहा है ये मैं ज़्यादातर लोगों को भेजता हूँ, जिसमें तकरीबन $50,000 मेरा अंदाज़ा है अकॉर्डिंग टू मी कि इतने लग जाएंगे मैक्सिमम। और अगर इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए में इंशाल्लाह हो जाएगा, इससे कम में थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आप लोग अपना खर्चे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन और इंटर्नशिप और कोर्स का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे बराबर में जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा इसमें देख सकते हैं आप सारे सब्जेक्ट पूरे 5 साल के दिए हुए हैं, आप इंडियन जो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं उनसे मैच कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको नीचे जो एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है इसके मुताबिक यह है कि आप इंटर्नशिप यहाँ पर 1 साल की भी कर सकते हैं, 2 साल की भी कर सकते हैं, और बिना इंटर्नशिप किए भी आप लोग जा सकते हैं, ये आपको चूज़ करना है। ये लोग आपको 5 साल के बाद भी डिग्री दे देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हॉस्टल को लेके हैं। हॉस्टल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट यह है कि हॉस्टल में ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडियंस रह रहे हैं और हॉस्टल की सीट फुल हो चुकी है, तो हॉस्टल मिलना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वेट लिस्ट चल रही है। जो पुराने बच्चे हैं पहले उनको हॉस्टल मिलेगा, फिर उसके बाद जो नए बच्चे हैं फिर उनको मिलेगा, तो नए बच्चों को थोड़ा सा हॉस्टल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसमें भी आपका लक है कि आपको हॉस्टल मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप हॉस्टल के ऊपर डिपेंडेंट होकर यहाँ पर ना आएँ। लेकिन अगर बात करें अपार्टमेंट की, तो अपार्टमेंट मिलना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईज़िली मिल जाता है, और जो लोग कंसल्टेंसी से आएंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, लेकिन जो बिना कंसल्टेंसी भी आते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को यही सोचकर भेजते हैं कि हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगी, काफ़ी ईजी रहेगा, तो उनके लिए भी यह है कि अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ईज़िली मिल जाएगा इंशाल्लाह। और बेहतर होगा कि लड़की के अगर कोई दोस्त हो, जैसे क्लासमेट वगैरह होते हैं, दोनों साथ में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर ऐसा है तो बहुत ही बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं है तब भी कोई इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है।
दोस्तों अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें अपनी रोज़मर्रा की हर ज़रूरत की चीज़ें जो है मौजूद होती है। अगर मैं किचन की बात करूँ तो उसमें यूटेंसिल्स और वॉशिंग मशीन सब चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, यहाँ तक कि आपको बेडशीट और ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं इन्हीं की तरफ से। तो अपार्टमेंट में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग अपार्टमेंट चूज़ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, मसाले आप लोग थोड़ा बहुत ला सकते हैं, वैसे यहाँ सब चीज़ें मिलती है। इंशाल्लाह मैं अपार्टमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपार्टमेंट यहाँ पर मिलते हैं और किस तरह के अपार्टमेंट यहाँ पर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।